वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्कूल की बस देखिए इधर की, कर्नाटक की। आज थोड़ा मौसम खिला खिला सा है, धूप आई है, बारिश है नहीं। आज शयाज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शयाज? क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है। अम्मी इधर झींगा फ्राई कर रहे हैं, सूखा झींगा। इधर इतना सारा कांदा काट के रखे हैं। रोटी भाजी बनने वाली है, देखिए मैदे की रोटी। घर में आपके कुछ भी वेजिटेबल नहीं रहेगा तो ये भाजी आप बना सकते हैं। इसमें सिर्फ कांदा, टमाटर, कोथमीर, हरी मिर्ची लगने वाली है और सूखा झींगा लगने वाला है। बस कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं लगने वाला है, इतना टेस्टी बनता है ये। अब सबसे पहले तेल में मैंने कांदा डाल दी नरम होने के लिए, और साथ में हरी मिर्ची डाल दूंगी। अभी हरी मिर्ची डाल के हो गया है, फिर टमाटर कोथमीर भी डाल दी। ये चारों चीज़ों को अच्छे से नरम होने देना है। इसमें हल्दी नमक डाल के मैंने पका ली और झींगे को भी डाल दी। ये अच्छे से हो जाएगा, नरम हो गया, बन गया है भाजी। इधर रोटियां बन रही है मैदे की, मैदा और गेहूं मिक्स है इसमें। इधर का आटा ही ऐसा आता है। बार बार क्यों नीचे जा रहा शैजान? एलो एलो आ जाओ, पैसा रख रख के ऊपर ले रहा है, बताओ। बच्चे है भैया, पैसा रख रख के ऊपर बुला लिया। क्या बात, चने का चार बना रही हूँ। जैसे भाजी का चार बनता है वैसा चने का। चने को भीगने भाए थे, अब ये पानी, एक टमाटर, थोड़ा सा कांदा डाल दी मैंने। इधर मसाले ली हूँ, कांदा, लहसुन, खोपरा, हरी मिर्ची, जीरा। ये चारों को भून लेते हैं, इसको पहले बॉईल कर लेंगे। नमक डाल दी मैंने, थोड़ी सी हल्दी डालना तो डाल सकते, नहीं तो नहीं। मम्मी बर्तन धो रहे हैं, शयाज लाला के बर्तन जोड़ रहे। इतना हेल्प करता अम्मी जान की अपनी। जैसे भाजी के चार में मसाले लगते हैं ना, वही मसाले इसमें लगते हैं। इसमें चार चीज है, कांदा, खोपरा, जीरा, लहसुन। इसको रोस्ट कर ली मैंने, ठंडा होने रख दी हूँ। उसी में इमली और वो जो बॉइल्ड टमाटो है वो डाल देना है, और थोड़ा से चने। ये डाल के ठंडा होने के बाद पीस के रख लूंगी अभी, फिर इसको बघार लेंगे। ये हमारा चने का चार बन के तैयार हो जाएगा। अभी ये बघारने में कांदा, लहसुन, कड़ी पत्ता, राया, जीरा, ये पांच चीज को डाल के मैंने बघार रही हूँ। इसका डिटेल रेसिपी मेरी कुकिंग चैनल पे है, भाजी का चार वाला बीन्स की। वही मसाले इसमें बस डालना है, सिर्फ चना डाल देना है, बीन्स नहीं। सेम प्रोसेस। और इसमें मैं भाजी बघार रही हूँ, कांदा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, हल्दी। भाजी के लिए सिंपल है, चना को डाल के रोस्ट कर लेना है, बस हो गया। ये भी भाजी बन गई है। थोड़ी सी हींग इधर डाल दी, थोड़ी सी हींग उसमें, क्योंकि चने में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी होता है।
इतना अच्छा है कि इधर कर्नाटक में जब से मैं आई उतना है नहीं इधर गैस एसिडिटी, क्योंकि गर्मी नहीं है ना उस हिसाब से। और इधर देखिए मैं पानी गर्म करने रखने के लिए खाली बालू में बैठ के खेलते रहता है, धूप में काला हो जाता है। शयू ओए सुनाई भी नहीं देता, काला हो जाता है ना। आह धूप में खेल रहा, जल्दी आ। देखिए अम्मी के बर्तन है, यहाँ बर्तन बड़े अच्छे से जमाया जाता है, फिर उधर भी बर्तन है, फिर इधर भी बर्तन है। सब जगह बर्तन ही बर्तन। अब पानी पक रहा, 2 किलोमीटर मार रहे तो मेरा नहीं आना। आपको हिट पता है या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइए, रागी मुद्दे हिट क्या होता है आपको मालूम है या नहीं। हिट घोट के हो गया, इसके अभी लड्डू बना बना के रखूंगी अभी। ये मैं बना रहे हिट, ये देखिए। हिट किसको किसको पसंद है जल्दी जल्दी कमेंट से बताइए, कौन कौन खाया है अभी तक, ये तो महाराष्ट्र में किसी को मालूम ही नहीं है, कटोरी से सिर्फ साउथ इंडियंस को मालूम है। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कि हम लोग खाए हैं करके या नहीं खाए। भाजी के चार में भी अच्छा लगता है या नहीं बताइए, और मच्छी के सालन में और गोश्त के सालन में हिट का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा लगता है। 6 लुंडे हिट के घोट दी मैंने। नीचे एक आंटी अंकल रहते, उनको हिट पसंद है तो अम्मी लेके जाके दे रहे। शयू कहाँ गया, बाथरूम में बैठा है। कपड़े धुल गए आज, सूख रहे, धूप अच्छी है। तो इधर भाईचारा बहुत अच्छा रहता है गांव में। लंच हमारा प्रिपेयर हो गया है, भाजी ये देखिए, हिट मच्छी का सालन, बांगड़े का खट्टा और हिट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कर्नाटक में। अब्बा को इतना पसंद हिट देख के इतना खुश हो गए। हिट बहुत पसंद है, हिट रोटी। सही, आजा खा ले। ऐसा करते गोल गोल फिर निगल जाते, ये सिर्फ कर्नाटक वालों को ही पता है, साउथ इंडियंस को ही हिट क्या होता है, वही नॉर्थ इंडियंस को नहीं मालूम। महाराष्ट्र में तो किसी को नहीं मालूम हिट क्या होता है। रागी का है ये, सेहत को भी बहुत अच्छी है, सेहत को भी अच्छा है। खा ले बेटे, शेजान सोया। खाना खा के हो गया है, बाहर बच्चे लोग खेल रहे। आजा, भाई को बुला रहा, देखो कैसा। आजा, पानी नहलाती, आजा मम्मी बोल। हाँ नहीं दिख रहा शयो, इधर है ना, कैसे दिखेगा। चलो पानी नहा लो, बारिश का मौसम हो रहा है, बादल तो खुले खुले हैं। बाथरूम टूर करवाती हूँ थोड़ा, पानी ना लाने हैं। ये देखिए ये है गीजर, अभी मैंने ऑन करी हूँ गर्म होने के लिए पानी। ये गर्म पानी का नल है, ये ठंडे पानी का नल है, और ये शावर है। इधर ब्रश वगैरह रखे हैं, साबुन वगैरह, और इधर एक प्लेट है बैठने वाला,
और इधर एक है इंडियन टॉयलेट, इधर बाजू में है ये, तो इधर बाजू की रूम में ये दो टॉयलेट रूम्स, इधर पानी वानी नहा लेते, और इधर चप्पल का स्टैंड रखे हुए है, बारिश में भीग जाता है ना, बारिश नहीं रहती तो वो पहले इधर रखते थे बाजू में इस साइड, बारिश की वजह से अंदर रखे चप्पल का स्टैंड। शायद को पानी नहलाना है, चलो बाथरूम में वो गर्म पानी का नल चालू करो बाल्टी रख के, और इधर वॉशिंग मशीन रखे हैं अटैच, क्या हुआ गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा आ रहा है, इसमें नहाना है। स्कूल से छोटे बच्चे, फ्रेश होके आ गए हैं, शहजान को नीचे जाना है, शायद पैसा ले लेके जाते रहता है, क्या हुआ आजा आजा काली है, आजा ना काली मुंगी नहीं काटेगी, हाँ नीचे का गेट बंद है, आजा नीचे ही जाना रहता है इन लोग को दोनों को। बारिश का मौसम है अभी तक तो, बादल भी खुले हैं, शहजान की तो अलग ही जिद होती है, ऊपर चलो नीचे चलो, ऊपर लेके आया, लो खेलो अभी टेरिस पे खेलो, क्या खेलेंगे शहजान, शहजान यहाँ देखो देखो मुझे ऊपर चढ़ा के खुद नीचे जाने का है, ए नो किधर जाने का, मुझे मुझे ऊपर छोड़ दिया और खुद नीचे जा रहा है, श्रेयास कैसा है? हेलो गाइस, आप आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें जान का ये घर है इच्छे, हमें जान के ये घर है इच्छे, चलो बताता हूँ, आइए ये देखिए बड़ा सा टेरेस है और वहाँ पे सूर्य पैनल है, ये इसके अंदर तीन बाथरूम है, और यहाँ पे और ये भी हम लोग का टेरेस है, देखिए इतना बड़ा, ये भी हम लोग का टेरेस है, देखिए इतना बड़ा है, और ये दो टंकी है, दो टंकी उसमें से येलो टंकी हम लोग की है, येलो टंकी हम लोग की है, आसमान भी कितना प्यारा, नेचर एकदम कलरफुल हो गया है, ब्यूटीफुल व्यू दिखा रहा है, यहाँ की खूबसूरती ही अलग है, ये देखिए ये पूरा कब्रिस्तान है, ये अपना बाथरूम इधर से दिख रहा है, ये बाजू वालों की सीढ़ी, बाजू वालों का टेरेस, यहाँ कुछ पौधे हैं, वहाँ की भी टेरेस है बाजू 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 में ही, ये पूरा जो दिख रहा है ना ये वाला पूरा वो कब्रिस्तान है, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, वहाँ थोड़ा स्नेक वगैरह रहते हैं, ये सब उधर जो ग्राउंड दिख रहा है पीछे वो उर्दू स्कूल है, हाँ साइकिल लेके आता तो टेरिस पे खेलता था, लेकिन कैसे लाएंगे इतना इसमें, बस में आना ही ऊपर से लगेज ज्यादा और भारी पड़ जाता है, हाँ क्या है यार, देखो यहाँ देखो मम्मम मम्मम, कितना प्यारा लग रहा देखो बादल, वो क्या हुआ
पकड़ इसको, पकड़ इसको शाय, 1 2 3 कर, 1 2 3 कर शायाज, 1 2 3 4 5 6 चिच्ची चिच्ची शायू छोना नहीं, करंट का है कुछ भी नहीं छोना। मुंबई जाएंगे फिर यादों को मिस करेंगे, इधर की यही रूटीन रहेगा, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। हमारी स्कूल उस साइड में है, कन्नड़ा मीडियम में पढ़ी हूँ मैं, गवर्नमेंट में, फिर प्राइवेट में कॉलेज में पढ़ ली, सेक्रेड हार्ट कॉलेज है मेरी, जो भी शिमोगा वाले हैं उन लोग को मालूम रहेगा सेक्रेड हार्ट कॉलेज, सेक्रेड हार्ट पीयू कॉलेज, चर्च के पीछे कृष्णा कैफे में, उधर मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। फिर यही एरिया में मैं जॉब भी करी हूँ, मतलब उधर बीबा शोरूम बोल के है शिमोगा में, सबको मालूम है रहेगा शायद, बीबा शोरूम ब्रांडेड है, वुमेन्स ब्रांड, शजन नो वुमेन्स ब्रांडेड शोरूम। देखिए झाड़, झाड़ पौधा, शजन कैसा लग रहा है शिमोगा में, अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है घर, इंशाल्लाह फ्यूचर में इधर एक घर लेंगे, ऐसे तो है अम्मी का, फिर भी हमारा अपना बोल के लेंगे हम। देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता है इधर, सब चिक्कल का एरिया बोलते हैं इसको, चिक्कल, सिद्धेश्वर नगर, शांतामल लेआउट, कितने नाम है। अभी डोसे का आटा पीस रही हूँ मैं, कांदा है, कांदे का डोसा बहुत ही टेस्टी लगता है, इरुली डोसे बोलते हैं इसको, उरद की दाल, माश की, वही माश की दाल, उरद की दाल दोनों की है, थोड़ा सा मेथी दाना, 2-3 कांदा है इसमें, पका हुआ चावल है और कच्चा चावल है, इसको एकदम बारीक बारीक पीस के डाल देंगे। ये भाई लेके आया है मेरा, मिर्ची के भजिए हैं, कोल्ड केक के, और ये पीला केक मुझे पसंद है जो लेके आया है। ये मिर्ची के भजिए है, गरम नहीं है, ठंडे, गरम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें इधर ठंडे ही देते बोलते लोग शाम के टाइम। ये मेरा फेवरेट केक है, स्पंज केक, एक दिन मैं घर में भी बनाऊंगी मुंबई जाने के बाद, सैटरडे को प्लान है हमारा, सैटरडे संडे देखते कब होएगा जाना। बर्थडे काटना है ने? ऐसे क्या? अभी रात के बज रहे हैं 8, तो ये व्लॉग आज यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।